किसान और दो घड़ों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सुबह उठकर दूर झरने से साफ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वह एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटकाकर लाया करता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से थोड़ा सा फूटा था और दूसरा एकदम सही। इसी वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास डेढ़ घड़ा ही पानी बच पाता था। ऐसा होना नई बात नहीं थी, इसको 2 साल बीत चुके थे। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वही दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन की बात है, वो बहुत दुखी और उदास था। जब परेशानी हद से बढ़ गई तो उसने फैसला किया कि वह किसान से माफी मांगेगा। किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो किसान ने पूछा, भाई तुम किस बात से शर्मिंदा हो? छोटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते हैं, मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी पहुँचाना चाहिए था, मैं सिर्फ उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और बोला, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं है, चलो तुम्हारी उदासी दूर करते हैं। एक काम करना, कल जब तुम रास्ते से लौटो तो अपने टपकते पानी पर दुख करने के बजाय उस रास्ते में खिले हुए फूलों को देखना, कितने खुशबूदार, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे, और साथ ही पास में छोटे छोटे पौधे देखना। घड़े ने किसान की बातें मनाने का फैसला किया। रास्ते भर सुंदर फूलों का देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी थोड़ा कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह फिर से मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया, रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं थे। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था, मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे, तुम थोड़ा थोड़ा करके सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता है। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही वो कमियां हैं जो हमें अनोखा बनाती हैं, हमें इंसान बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा।